नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा सकती है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर बड़ा खतरा आ रहा है। जी हाँ साहब, मुख्यमंत्री के पद पर बड़ा खतरा इसलिए आ रहा है क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग को लेकर TMC कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलेगा। TMC महासचिव ने कहा कि बंगाल में उपचुनाव लंबित है और उन्होंने पिछले महीनों भी चुनाव आयोग से संपर्क किया था। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें एक सीट भवानीपुर भी शामिल है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता इसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ममता कुर्सी पर खतरा क्यों? ममता फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ उन्हें भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद भी ममता ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता से पहले भी ऐसे कुछ मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री बनते समय अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बिहार के नीतीश कुमार ने 3 दशक से अधिक समय से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी वे प्रत्याशी नहीं थे। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव नहीं लड़ा है। ये दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में 2 सदन हैं, लेकिन बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता को मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगा। वे खाली की गई किसी सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल कर सदन की सदस्य बन सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 का कहता है कि एक मंत्री जो विधायक नहीं है को 6 महीने में इस्तीफा देना होगा। उत्तराखंड में तीरथ सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा था। उत्तराखंड में इन्हीं शर्तों की वजह से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीरथ सिंह ने इसी साल मार्च में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद देश में कोरोना के हालात बिगड़ गए। तीरथ को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता, लेकिन कोरोना की वजह से उपचुनाव के अनुकूल माहौल नहीं बनते देख पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि यह भी माना जाता है कि विवादित बयानों और कार्यशैली के कारण पार्टी ने 3.5 महीने में तीरथ से इस्तीफा ले लिया था। ये भी एक वजह कि TMC जल्द से जल्द बंगाल में उपचुनाव कराने की मांग कर रही है। अगर समय पर उपचुनाव नहीं हुए तो ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और ये ममता के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ममता बनर्जी किन हालातों में कैसे हथकंडे अपना कर CM पद को संभाला है, अपनी टांग को तोड़वाया है, कई लोगों के साथ जुल्म हुआ है, पश्चिम बंगाल में खून खराबा हुआ है, मर्डर हुआ है, बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, तब जाकर CM ममता की कुर्सी हाथ लगी है। और अगर ऐसे में चुनाव नहीं हुए तो ममता को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी और ममता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।